नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद कन्नौज गुरसहायगंज थाना क्षेत्र कुटिया गांव में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में मांगलिक कार्य करा रहे पुरोहित को लगी गोली। पुरोहित को सीएससी गुरसहायगंज में भर्ती कराया गया। सीएससी गुरसहायगंज से पुरोहित को मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर किया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते पुरोहित को कानपुर हाईलाइट रेफर किया गया। कन्नौज से मोबिन मंसूरी के साथ आशीष वर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। क्या मामला हुआ तुम्हारे साथ? पंचायत करने गए थे कोटिया। किसके यहाँ पंचायत करने गए थे? रविंदर यादव। देखा नहीं किसने मारी? देखी तो नहीं पाया। सर, गुरसहायगंज क्षेत्र में हर्ष फायरिंग की सूचना है, सर क्या मामला था रात में? गुरसहायगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोठिया में रामेंद्र के लड़के का तिलक समारोह था, और उसी तिलक कार्यक्रम के दौरान जो लड़की पक्ष के लोग आए थे उनकी तरफ से तमंचे से फायरिंग की गई, जिससे कि जो पूजा करा रहे थे विनय पांडे उनके पीठ में गोली लग गई। घायलावस्था में उनको पहले सीएससी लाया गया, फिर तिरवा मेडिकल कॉलेज लाया गया, और उसके बाद फिर हेलट के लिए रेफर किया गया है। और इसमें एक व्यक्ति को जो घटना में शामिल बताया जाता है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और जिनको चोट लगी है पुजारी उनके परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि इसमें FIR दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए। सर, पुजारी की हालत कैसी हुई? मतलब वाइटल ऑर्गन में चोट नहीं है, और अब मेडिकल रिपोर्ट हेलेट की हमने देखी नहीं है अभी, वो जब मिलेगी तब स्पष्ट होगा कि उसकी कितनी ग्रेविटी है।